टुडे वी विल डिस्कस द पोर्शन विच इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द पोर्शन विच इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन. वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, नाउ वी आर ऑन कोमेट पोर्शन. ठीक है, सो टुडे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द कोमेट पोर्शन, आई लेट यू नो दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बुक बेटा. डिविजन इज नॉट देयर एट ऑल इन योर कोर्स, इट इज इन क्लास 7, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट डीपली द डिविजन, बट मल्टीप्लीकेशन आई एम टीचिंग यू. सो रिमेंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन, लेट्स से यू हैव अ नंबर 1.31 मल्टीप्लाइड बाय 4. 1.31 मल्टीप्लाई बाय 4. तो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बेटा? डेसिमल नंबर व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी जस्ट मल्टीप्लाई नॉर्मली. नॉर्मली मतलब जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं. 4 वन्स आर 4, 4 थ्रीज आर 12, कैरी आई 1, 4 वन्स आर 4 एंड 4 वन 5. आंसर वुड बी 524, जैसे आप करते हो नॉर्मली. And what about decimal then? Then what about decimal? Remember, decimal के लिए क्या करते हैं हम? Decimal हमेशा places count करते हैं. कितनी place के पहले decimal लगा हुआ है? So here 1, 2 places के पहले decimal है. यहाँ तो decimal है ही नहीं. So 2 places only. तो 1, 2 places के पहले decimal लगा देंगे. This is the answer. Understood or not? Tell me. If understood, write yes. Yes, ma'am. If understood, write yes. Okay. Now, एक ये तो नॉर्मल नंबर था. नाउ दोनों तरफ डेसिमल हो तब क्या करेंगे? सपोज यू हैव अ क्वेश्चन 1.2 एंड यू हैव अनदर क्वेश्चन 1.1, द बोथ द नंबर्स हैव डेसिमल, तो क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई विदाउट एज्यूमिंग दैट वी हैव अ डेसिमल. ठीक है, तो 11 का टेबल मुझे डायरेक्ट आता है, तो आई रीड द टेबल. 11 टू जा 22, कैरी आई 2, 11 वन जा 11, 11 एंड 2 13. 132 is coming as the answer without having the decimal. ठीक है, now you can see अब decimal का क्या करें? You have one place of decimal here, one place of decimal here means total two places you have, एक यहाँ की और एक यहाँ कर, मिलाकर कितनी होगी? टू. तो 1, 2 and answer. Got it or not? Yes or no? Yes. Please reply. ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड. यस, इट्स अ वे ऑफ डूइंग प्रत्युषी, इट्स अ वे ऑफ डूइंग दैट हाउ टू पुट डेसिमल. वी आर पुटिंग द डेसिमल जस्ट काउंटिंग बाय डेसिमल प्लेसेस, कितनी प्लेसेस के पहले डेसिमल लगा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी पुट द डेसिमल बेटा. सपोज यू हैव अ नंबर 1.32 and another number you have is only 1.5. ठीक है, you have 1.5. तो क्या करेंगे? Just normal multiplication जैसे आप करते हो, without assuming that you have a point. I know the table of 15, so I directly read the table. 15 two जा 30, carry I 3, 15 three जा 45. हाँ बोलिए. मैम, not understood the second one. अभी देखो इसको, 15 टू जा 30, कैरी आई 3, 15 थ्री जा 45, 45 और 3 48, कैरी आई 4, 15 वन जा 15 एंड 15 एंड 4 19. देखो यहाँ पे आस्था को नहीं समझ में आया था ना. लुक एट हियर, फर्स्ट स्टेप विल बी टू मल्टीप्लाई. सबसे पहला स्टेप रहेगा मल्टीप्लाई करने का बेटा, सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई करने का. मल्टीप्लाई कर कैसे करेंगे? जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आज तक करते आए हैं, द सेम प्रोसेस विल बी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विदाउट थिंकिंग दैट यू हैव डेसिमल वैल्यू. आपको सोचना ही नहीं है मेरे पास डेसिमल वाला नंबर है, आई हैव अ सिंपल नंबर एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दैट. आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी निकाल लो. देखो आंसर भी आ गया, इस वाले में भी आंसर आया, इस वाले में भी आंसर आया, इस वाले में भी आंसर आया. लास्ट में क्या करना चाहिए? जब हमारा मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, देन वी पुट द डेसिमल. देन हाउ वी पुट द डेसिमल? जस्ट सिंपल
वी जस्ट काउंट द प्लेसेस कितने नंबर्स के पहले डेज से मिले. नाउ लुक एट हियर, इसमें दो था तो दो के पहले डेज से मिला है, इसमें वन यहाँ पर था वन यहाँ पर था, एक यहाँ का मिलाकर हो गया था टू. तो आई हैव पुट द डेसिमल बिफोर टू प्लेसेस. अब यहाँ देखो वन प्लेस टू प्लेस और यहाँ पर एक और प्लेस, मतलब थ्री प्लेस, वन टू थ्री, टोटल थ्री प्लेसेस आर ऑफ डेसिमल. सो व्हाट वील डू, वील काउंट फ्रॉम बैक साइड वन टू थ्री एंड वील पुट द डेसिमल. नाउ ओनली रिप्लाई येस और नो, इफ अंडरस्टूड राइट येस, इफ नॉट अंडरस्टूड राइट नो. तुरंत अभी फटाफट, if understood right yes, if not understood right no, turan se. ma'am yes ma'am, in comment divide is also there. beta abhi aap tension mat lo na, let me give you, give it to me the chance, I'll do it everything. pratyushi ab kya samajh nahi aaya hai zara bataiye aap pehle khud se jaldi se turant. थोड़ा सा जल्दी बोलिए प्लीज बेटा, वी आर, वी डोंट हैव मच टाइम. कल आपकी कोई क्लास नहीं है, कॉमेट हो ही नहीं पाएगा अदरवाइज. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट. इसमें कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन के अलावा. बेटा बोलो जल्दी से प्रत्युषी, कैन प्लीज गिव वन मोर एग्जांपल. आई कैन नॉट गिव यू एग्जांपल, सॉरी प्रत्युषी. जस्ट सी द रिकॉर्डिंग वंस अगेन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू थ्री टाइम्स. अगर आपको और समझना है तो आप क्लास के बाद वेट करना, ठीक है. अभी आई कैन नॉट गिव यू, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ओनली यू हैव रिटन नो, रेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हैव रिटन येस, एंड इट इज नॉट सो टफ. इट्स जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन, जैसे आप पुरानी क्लासेस में पढ़ते थे. जस्ट सिंपल इज ओनली दैट की हाउ टू पुट द डेसिमल. अभी मैंने आपको दूसरी और तीसरी बार फिर बताया डेसिमल कैसे लगाना है. यू हैव टू जस्ट काउंट द प्लेसेस, वन टू, टू प्लेसेस दो प्लेसेस के पहले, वन प्लेस तो टू हो गया. वन और वन मिलाकर कितना होता है, वन और वन टू, वन और वन टू. तो यहाँ का वन मिला के टू, सो दैट इज वाई आंसर में वन और वन टू, उसके पहले डेसिमल. यहाँ पर वन और वन टू प्लस वन थ्री, सो वन टू एंड थ्री. So total places are three. So we are counting the places from back side. One, two, three. So after putting that, we have put the decimal. Multiply कैसे करते हैं? That I cannot teach you. Sorry, because it's my know that is multiplying. Ma'am, only I was asking about the decimal point. So decimal बेटा बताया तो, decimal बताया तो कैसे put करना है? एक और question देख लो जल्दी से, क्योंकि हम लोग comment नहीं कर पाएंगे बेटा ऐसे में वरना. और कल क्लास ही नहीं है आपकी, फिर टेस्ट में क्या करोगे? नाउ लुक एट हियर, सपोज यू हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, आपने सॉल्व किया, आंसर आया, लेट्स से आई एम जस्ट राइटिंग आंसर रैंडमली. सपोज दिस इज द आंसर, आई नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज जस्ट अ रैंडम आंसर आई एम टेकिंग, ठीक है. इट इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, सो दिस इज द आंसर सपोज. नाउ आफ्टर हैविंग द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू पुट द डेसिमल. कैसे डेसिमल पुट करेंगे? डेसिमल के बाद यहाँ पर एक प्लेस है वन, यहाँ पर डेसिमल के बाद वन टू थ्री, टोटल थ्री प्लेसेस हियर, यहाँ तीन यहाँ वन, मिलाकर टोटल प्लेसेस कितनी हो गई? फोर. तो जो आंसर आया होगा उसमें आप बैक से काउंट करोगे वन टू थ्री एंड फोर, एंड उसके पहले आप लगा दोगे डेसिमल. दिस इज द आंसर. जस्ट अ नॉर्मल पुटिंग द डेसिमल, नथिंग एक्स्ट्रा. Is it okay now? Yes, ma'am. Understood. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. This was multiplication with a normal number. But remember, if you have multiplication by 10, 100, 1000, like this numbers, ठीक है? You don't have any decimal value to multiply with. You have the numbers like 10, 100, 1000 or like that. Or same thing, we are talking about division also. Isi number ka multiply ho, isi number ka division bhi ho. These are called special numbers. These are called special numbers. Theek hai? That multiples of 10, your 10 mein phir adkar 100, then 1000, then 10,000, these type of numbers are there, suppose. In that situation, how will you multiply? I will just tell you a simple trick.
जिसको हम फॉलो करते हैं इसमें, ठीक है. वी आर जस्ट सॉल्विंग अ सिंपल ट्रिक. रिमेम्बर, सपोज यू हैव टू नंबर्स, 4 मल्टीप्लाई विथ 3, वॉट आंसर यू विल गेट इट? 12. इट मीन्स वेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, when you multiply two numbers you get the number always greater than the numbers which were there. ठीक है, जब भी हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमेशा given two numbers से हमेशा बड़ा होता है. For example, 5 into 6 is equals to 30. 30 is greater than 5 also, 30 is greater than 6 also, 12 is greater than 3 also, 12 is greater than 4 also. ठीक है, कब? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती है? बड़ी आती है. अब हम डिवाइड करके देखते हैं. जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, देखो कितने बड़े बड़े नंबर हमने लिए थे. नाउ वी हैव डिवाइडेड, आंसर इज कमिंग 2. ठीक है, इट मीन्स व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स, when you divide two numbers you get smaller number. ठीक है, sometimes आपको वही number भी मिलेगा, लेकिन याद रखिए जब हम divide करते हैं बेटा we get the values smaller most of the time. ठीक है, वो उसको कम कर देता है. ठीक है, but when you multiply you get the number larger to it. ठीक है, हम उससे बड़ा number हमको मिलता है या तो उसके equal मिलता है, but हमें generally हमारी value expand हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और डिवाइड करते हैं तो कम हो जाती है. ये कॉन्सेप्ट आपको सभी लोगों को ये चीज अपने दिमाग में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो रिमेम्बर ऑलवेज, जब भी हम डेसिमल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इन नंबर्स के साथ करेंगे वी विल शिफ्ट द डेसिमल. दिस इज द फर्स्ट थिंग. मल्टीप्लिकेशन इफ यू आर डूइंग यू विल शिफ्ट द डेसिमल. Now, how will you shift the decimal? Remember, if you have multiplication by these number, you will shift the decimal to the right side. ठीक है? और अगर same यही thing, अगर आपको division में दी हुई हो, division by 10, 100, 1000 or like this number, this kind of number, वेरी गुड, चलो गुड. सो रिमेम्बर इन दिस प्रोसेस वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल ईदर ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड. ठीक है, राइट साइड मल्टीप्लाई में क्यों शिफ्ट किया जाता है? बिकॉज वेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर यू गेट द लार्जर नंबर. ठीक है, वेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर यू गेट द लार्जर नंबर. और लार्जर नंबर हमेशा कहाँ होते हैं नंबर लाइन में? राइट साइड पे. इसलिए हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर शिफ्टिंग राइट साइड द डेसिमल. ठीक है, एंड द सेम प्रोसेस ऑपोजिटली इफ यू टॉक अबाउट डिविजन, डिविजन में नंबर स्मॉलर हो जाते हैं. स्मॉलर मतलब छोटे नंबर, और छोटे नंबर कहाँ होते हैं? हमेशा लेफ्ट साइड पे. दैट इज वाई वी आर शिफ्टिंग ऑन डिविजन लेफ्ट हैंड साइड. विल यू रिमेम्बर दिस प्रोसेस ऑलवेज? शुड वी कंटिन्यू द प्रोसेस? यस यस. ओके, चलो. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आई टीच यू डिविजन वन. So if you talk about a normal number, just suppose I am giving you a number like 23.56 multiply by 10. Now look at here in the question. 10 means you have 10. 1 with 10. So here you have 10. It means your decimal will shift one place. Jitne zero honge, utni place shift hoga. Theek hai? So here you have 10, so it will decimal will shift right hand side one place only. It means your decimal will go like this. So your answer will be now 2, 3, 5, 6. पहले आप number लिख दोगे and decimal इधर चला गया, so it would be this only. I hope it is clear. If clear, write it down. Yes. Suppose you have a number 1, 2, 2, 6 multiply by 10.
100, let me write it 100 here. ठीक है, 12.26, suppose the number is 12.26, ठीक है, now you have to multiply, suppose, now how many zeros are with it? Two zeros are there with it. It means two zeros का मतलब क्या हो? We have to shift two places to the right hand side. So this is one place and this is second place. Decimal चला गया सबसे पीछे, और सबसे पीछे लिखने का मतलब ही नहीं है decimal. So we'll write it down only 21226. I hope it is clear, everyone. Yes, ma'am. Now, just guess this answer. Let me see कितने लोगों को बनता है. Just guess this answer. What do you think this answer could be? जो मैंने सबसे last में question दिया है. Now think इसका answer क्या होगा? 1,500. Pratyushi, absolutely correct. Other students also please try. 1,500. Ma'am, I have done the question number 3 of class 4. Ma'am, 1,500. Yes, ma'am. Absolutely correct, beta. The and we can say it's 1500 one. Also. Yes, 1500 इसलिए beta, क्योंकि देखो यहाँ पर three places हैं, but हमारे पास तो decimal के पास केवल one value है, तो हम उसको shift कहाँ पे करें? We will just give them zero. So the number would be 1500. The answer is this. अगर आप ऐसे करना चाहो तो ठीक, या तो आप इसको खुद से पहले दो zero दे दो. तो बराबर हो जाएगा, देन यू विल शिफ्ट द डेसिमल. सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन डू इट. ओके, चलो नाउ लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस विच आर देयर इन द कॉमेट इटसेल्फ. कॉमेट का क्वेश्चन नंबर वन, कॉमेट का क्वेश्चन नंबर वन, लेट अस डू दैट. ठीक है, आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर वन ऑफ कॉमेट. ठीक है, सो आई एम रबिंग दिस पोर्शन एंड आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमेट ओनली. कहाँ गया मेरा कॉमेट? जल्दी 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 से मिल जाओ, जल्दी से मिल जाओ. कहाँ गया? मिल गया. ओके, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन ए, 17.54. नाउ स्टार्ट राइटिंग द आंसर इन द चैट बॉक्सेस एज फास्ट एज यू कैन डू, एंड जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म होगा आई विल स्टार्ट टेलिंग यू द आंसर. जल्दी जल्दी आंसर लिखिए इसका. थिंक ऑफ इट, व्हाट आंसर कुड बी. 49.752 multiply by 10. C. 32.72 multiply by 100. Now D question is 74.5 multiply by 100. Question number E. 145.8 multiply by 1000. And the last one is F. F is 0.003 multiply by 1000. Yes. Okay. These are the questions. I am getting the answer from many of you and almost every answers are correct as well. So let us discuss the answer here. The first question is here, two places, two zeros are written here. Oh, sorry, it was 10 only, beta. Sorry, beta, by mistake I have written this was 100. I'm given the answer. 10. Okay, beta, let's match it. Now it will be 175.4. One place only it will shift. It will give you 497.52. One place only it will shift. Two places it will shift. So it will give you 3272. Third one, it will give you 7450. It will give you 1458. One place, okay, and now two more. 0, 3. Whose all the answers are correct? Raise your hand. Whose all the answers are correct? Faster, raise your hand, beta. 6 students, 7. Toya, Jayushi, Ishika, Ayushman, Pratyushi, Anika, Astha, Somya, and Laksh. Clap for you. Very good. Anusha also. Very good, beta.
So thank you very much, Anushka Sharma also. Fine. So these are the students जिनका सारा कुछ सही है. अब हम लोग बढ़ते हैं division की तरफ. ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं division की तरफ. So in division question number 1B. Question number 1 का B. So I am rubbing this one and यहाँ पर आ जाएगा division वाला. So this is division by 10, 100 or 1000 like this. ठीक है, so I am writing here 5.76 divided by 10. Divided by 10 का मतलब क्या हुआ? You have to shift the decimal now to the left side. Left side जितनी places होंगी उतना आप shift करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 576. 0. ना बेटा, यू आर राइटिंग शिफ्टिंग दिस टाइम ना, तो 0.576 इट वुड बी 0.576. ठीक है, 0.576 डेसिमल विल कम दिस साइड, सो इट वुड बी 0.576. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. Suppose your question is 13.53 divided by 10. In this case, if you have this one, how will you do that? ये यहाँ पर 13 पर है, तो एक place पहले चला जाएगा, तो the answer would be 1.353. ठीक है, 1.353. Are you understanding in division wala understanding? Yes. Are you understanding or should I teach you? I'm understanding. Understanding. एक और समझाते हैं, देखो. ठीक है, okay. So this question number B was not the part. I just took the example according to me only. को एक और समझाते हैं. 0.347 divided by 10. अब देखो यहाँ पर value you have to shift one place. You have zero only. तो ये decimal उठ करके कहाँ चला जाएगा? Zero के भी पहले. So your answer would be 0.0347. 0.0347. Now moving on to second question. The number is 0.769 divided by 100. Now look at here. हमको shift करना है two places, but हमारे पास places ही नहीं है. How to shift then? We don't have places only. Absolutely, Ishika and many students are sending me the answer. Very nice. Absolutely correct, beta. Here we need to add zero. So, yahan par value kitni ho jayegi hamare paas? 00769. And decimal also. Question number D. Question number D will be 95.87 divided by 100. So divided by 100, the answer would be 0.9587. Yes. Moving on to question number E, it's 476.35 divided by 1000. 1000 means three places to shift. It ma'am, 0.47635. Absolutely correct, beta. 0.4763. Yes. Now, last question, that is F1. 38.9 divided by 1000. Ma'am, 0.08389. Absolutely. It will give you 0.0389. Now these questions are finished. Okay, these questions are finished. Question number 1 is finished only. Now moving on to question number. Yes, it was easy. Ek baar samajh loge beta, it is really easy. Any question agar aap man se samajhte ho, chahe wo koi bhi question ho, agar aap man se samajh lete ho to tumko kabhi bhulega hi nahi. Now, Kumit, question number 2. It is written 47 upon 10. And it is telling you have to write it down into the decimal form and write it down in the number line.
तो 47 अपॉन 10 हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले भी, इट विल बी कन्वर्टेड एज 4.7 Yes, and it will come between which two numbers? Can anyone tell me? कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा ये नंबर? 4.8 and 4.6. Absolutely. Somebody has. We have to see the whole numbers. Whole number I am asking, beta. Whole number. 4.0 and 5.0. Yes, 4 and 5 के बीच में आएगा. ठीक है. और प्रत्युषी आपने भी जो बोला था वो भी सही है. ठीक है, आपने जो बोला था वो उसको भी ले सकते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन. नाउ 4.0 5.0 बीच में आएगा 4.5. नाउ 4.1 4.2 मैम इट विल गो टू 5. यस 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9. ठीक है, दिस वुड बी द प्लेसेस हियर. ठीक है, सो यू वांट 4.7, जस्ट मार्क इट हियर, गिव एज द पॉइंट ए. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई रीड, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ two numbers are given here. Subtract the sum of two numbers are given from the sum of again two numbers are given. It means yahan par do bar addition karna hai and then we have to subtract because question is telling that you have to add both the sides sum you have to take it out and at the last you have to subtract. It means hum do bar se subtract addition karenge and then the last we will do subtraction. So just let us try. किसका किसका सम फाइंड करना है पहले. 1576 नाउ डू इट अलोंग विथ मी इन द कोमेट इटसेल्फ. प्लीज डू इट अलोंग विथ मी बेटा. दिस इज 2569.80. इट इज ऑलरेडी रिटन इन लाइक डेसिमल ओनली, सो जस्ट नीड टू एड इट. 5+0 इट विल गिव यू 5. 8+3 11 कैरी 1. 9+1 10 10 6 16 carry here 1. 6 1 7 7 7 14 carry here 1. 5 5 10 10 1 11 carry here 1. 2 1 3 3 1 4 4 1 4 6.15. This is getting as the first sum. Now moving on to second side jo diya hua hai, you had the sum 3980.75 + 2005. Now 2005 is given, there is no value of decimal, so we will put down two zeros along with this number to get the addition. Yes, absolutely. The number would be 9 and yahan par aayega 5. 5985.75. Yes. Aap kya karna hai? Yes, kuch aur bolna hai? 0. No ma'am. Now the last step is subtraction because the question is telling you need to subtract the sum, this sum from this one. अगर ऐसा नहीं भी दिया होता तो यू नीड टू चेक इट कि इन दोनों में से बड़ा कौन है. बड़ा कौन है ये नंबर. तो इट वुड बी फर्स्ट 5985.75. नाउ डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4. Now subtraction sign. 5 - 5 = 0. 7 - 1 = 6. 5 - 6 jayega hi nahi. So it will be 15. This will be 7. 15 - 6 = 9. 7 - 4 it will be 3. 7 - 4 it will be 3. 9 - 1 it will be 8. 5 - 4 it will be 1. 1839.60. Aastha, bolna hai aapko kuch? No ma'am. Ma'am, the screen is going black. I have taken the screenshot. I'll share it with you afterwards. Okay?
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तुरंत हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हम लोग के पास केवल 2 मिनट्स बाकी है. चलो सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बेटा दैट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 5, 6, 7.125. इट में बोल रहा है आपको प्रोडक्ट निकालना है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोडक्ट? कैन यू टेल मी मल्टीप्लिकेशन? मैम द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. नाउ लुक एट योर, इट इज हियर 5. यहाँ बोल रहा है दो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का आपको निकालना है. तो यहाँ पे तो 2 places है 5 की. फर्स्ट प्लेस देखो होल नंबर में है, सेकेंड प्लेस इज मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग. यस मैम. एम आई? यस मैम. आई वॉज आउट ऑफ द मीटिंग. आई थिंक नेटवर्क वॉज नॉट प्रॉपर. So, yes, it was given 2 values of 5. Pehla value yahan par hai, so dekho 5 hai, 2 places hai, so it will give you 500. The first place value is 500. The second one, if you see properly, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and this is a decimal place. So this is called 10th, this is called 100, and this is called 1000. So this number place value will be 5/1000. Do you agree or not? Please tell me yes or no. इस क्वेश्चन के बाद एंड कर देंगे. मैं agree. ठीक है. So दोनों की प्लेस वैल्यू ये आ गई. एक ये हो गई 500, ये हो गया 5/1000. Now you need product. Now you need product. ठीक है. Product means multiplication. अब क्या करना है? देखो यहाँ पर 2 zeros है. यहाँ पे पहले ये 500 से 5 का multiply कर दो. It will give you 2500. 500 से multiply किया 5 का. It will give you 2500. ठीक है. यहाँ कुछ नहीं है मतलब बनो. इसका इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1000. नाउ द नंबर इज 2500/1000. नाउ अभी अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि इफ यू हैव अ नंबर एंड इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 1000 व्हाट इट विल बी देयर, यू हैव टू जस्ट शिफ्ट द डेसिमल. यहाँ पे डेसिमल नहीं है मतलब कहाँ पर है डेसिमल? सबसे लास्ट में. थ्री प्लेसेस शिफ्ट होगा. थ्री प्लेसेस शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा डेसिमल? यहाँ पर. So the answer would be 2.500. Or if you need to write, it will give you only 2.5. एक तो ये तरीका हो गया. या तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 zeros से 2 zero cancel हो गया. या you can cut it by 100 directly. It will give you 25/10, which will give you the value 2.5. Both the process are okay. I think this is more easy. Is it fine? Is it fine, everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, please do question number 5 also. Only 2 questions are the correct. Choose the correct option. Question number 5 ke A mein pooch raha hai bas. And second would be 100th is written will be here. 0.01. Finished. First, and this is second. Ma'am, I have done till question number 2 of more challenging, but I have left only one question of homework, question number 1. Koi baat nahi, beta. I just want to ask one thing from all of you. If suppose I take one extra class in the evening, suppose, just asking, how many of you would like to attend it? How many will attend this if I want to finish the COMET portion? How many of you can attend that? Astha, Anika, Toyaj. Anika, stop recording, beta. Astha.